तो आज के इस वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज इन माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक इन हार्डकोर मोड। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और आज फिर से हम अपने वन ब्लॉक सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और इनको हम बहुत आगे तक के लेके जाएंगे और इसमें बहुत ओपी ओपी फार्म्स बनाएंगे। और ये इस एपिसोड का पार्ट वन है जिसमें हम सर्वाइव करने वाले हैं 50 डेज अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में। और इन 50 डेज में हमको इस सिंगल ब्लॉक को कन्वर्ट कर देना एक बड़े से आइलैंड में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस यार डे वन को हम स्पॉन हो जाते हैं हमारे वन ब्लॉक पे और स्पॉन होते ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ माइनिंग करना। कुछ डर्ट और कुछ वुड कलेक्ट करने के बाद हमारे वन ब्लॉक वर्ल्ड में हमारे पास आ जाती है हमारी फर्स्ट चेस्ट। और इस चेस्ट में तो मुझे दो ओक सैपलिंग मिलती है। और कुछ डर्ट कलेक्ट करने के बाद मैं अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और थोड़ी देर और माइनिंग करने के बाद हमारे वन ब्लॉक वर्ल्ड में हमारा फर्स्ट दोस्त आ जाता है जो कि थे पिगी देवता। और फिर मैं उन्हें धक्का मार के थोड़ा सा साइड में करता हूँ और अपने माइनिंग को कंटिन्यू करता हूँ। और थोड़ी देर और माइनिंग करने के बाद मुझे एक चेस्ट मिल जाती है जिसमें से हमको मिल जाती है एक वाटर बकेट। तो मैं उसके मदद से अपने वन ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक लगा देता हूँ ताकि ग्रेवल और सैंड जैसे ग्रेविटी ब्लॉक्स नीचे ना गिरे। और अब हम बड़े आसानी से ग्रेवल और सैंड को कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ देर और माइनिंग करने के बाद हमारे वन ब्लॉक पे एक और चेस्ट स्पॉन होती है लेकिन इस चेस्ट में से बहुत सारे हर्ट्स निकल रहे थे। तो मैं जैसे इसको चेक करता हूँ उसमें से मुझे कुछ वुड और एक सैपलिंग मिल जाती है। तो मैं उसे कलेक्ट करता हूँ और उस चेस्ट को ब्रेक करती ही अपना फेज वन का स्टार्टिंग हो जाता है। और 7 सेकंड में हमारा न्यू फेज स्टार्ट होने वाला था जो कि द प्लेन्स। और फिर मुझे जितने भी डर्ट मिली थी उन सब की मदद से मैं अपने आइलैंड को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ। और फिर मुझे मिले हुए सारे वुड को कन्वर्ट कर देता हूँ प्लैंक्स में और उनसे बनाता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल। और क्राफ्टिंग टेबल बना के एक्स और शवल जैसी जरूरी टूल्स बना लेता हूँ। और अब हम टूल्स की मदद से आसानी से माइनिंग कर सकते थे। और थोड़ी देर बाद अपने पिगी देवता की पिगी देवी भी आ जाती है तो मैं उन्हें भी थोड़ा सा साइड करता हूँ और फिर अपने माइनिंग को कंटिन्यू करता हूँ। और उसके थोड़ी देर बाद ही अपने वर्ल्ड में काऊ भी आ जाती है। मतलब भाई इतना सा एरिया और स्पॉन हो रहे थे यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स, इसलिए मैं अपने सारे प्लैंक्स को कन्वर्ट कर देता हूँ स्लैब में और अपने एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा बनाता हूँ। और प्लेटफॉर्म बड़ा करने के बाद मैं अपने इन्फिनाइट ब्लॉक के आसपास ही कुछ सैपलिंग्स को लगा देता हूँ ताकि फटाफट से ट्री ग्रो हो जाए और अपने को बहुत सारा वुड भी मिलता रहे। और इसके साथ गाइस यार रात हो गई थी लेकिन यार बेड ना होने के कारण हम सो नहीं सकते थे इसलिए मैं रात भर माइनिंग करता हूँ। और फिर मुझे एक चेस्ट मिलती है जिसमें से मुझे कुछ एप्पल्स और एक लेदर मिलता है। और फाइनली हमारे वर्ल्ड में आती है एक शिप, अपने वर्ल्ड की फर्स्ट शिप। तो मैं इसे भी साइड करता हूँ और अपने माइनिंग को कंटिन्यू करता हूँ। और माइनिंग करते करते एक और चेस्ट आ जाती है जिसमें मुझे मिल जाती है एक बर्च की सैपलिंग। मतलब हमारे पास एक और ट्री आ गया था और अपने जो ट्री है वो भी ग्रो हो गए थे। तो मैं फटाफट से उनको कट करता हूँ और बहुत सारा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। और फाइनली आखिरी ब्लॉक माइन करने के बाद हमारी हर्ट वाली चेस्ट आ जाती है जिसमें से मुझे ग्रास ब्लॉक, कुछ एप्पल, कुछ सैपलिंग मिलती है। और उसे जैसे मैं ब्रेक करता हूँ हमारा ये वाला फेस भी खत्म हो जाता है। और फिर डर्ट और ग्रेवल को कंबाइन करके मैं बना लेता हूँ कोरस डर्ट ताकि हमारे डर्ट का क्वांटिटी बढ़ जाए, हमको एक्स्ट्रा डर्ट मिले। और फिर हमारा सेकंड फेस स्टार्ट हो जाता है जो कि था द अंडरग्राउंड। और इसमें हमको स्टोन भी मिलेंगे और साथ ही साथ कोल, आयरन जैसे रिसोर्सेज भी मिलेंगे। लेकिन इस फेस पे काम करने से पहले मैं एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ ताकि मैं वहाँ पर अपने ट्री ग्रो कर सकूँ, अपने फूड ग्रो कर सकूँ और साथ ही साथ अपने जो एनिमल्स हैं उनको भी वहाँ रख सकूँ। और फिर मैं एक छोटा सा ट्री फार्म बना लेता हूँ जहाँ पर मैं अपने सारे सैपलिंग्स को प्लांट कर देता हूँ और साथ साथ एक छोटा सा फार्म बना के अपने को जितने भी वीट सीड मिले थे उनको मैं यहाँ पर प्लांट कर देता हूँ। और गाइस यार तुम लोगों को मेरे पास बेड दिख रहा होगा, अब तुम लोग सोचोगे कि ये बेड मैंने कहाँ से बनाया। तो गाइस यार अपने प्लेटफॉर्म में टोटल 3 शिप्स हो गई थी तो ये फार्म बनाते बनाते मैंने उन शिप्स को मारा और अपने लिए बेड क्राफ्ट कर लिया। और वो वाली क्लिप मेरे पास नहीं है क्योंकि वो क्लिप मेरे से गलती से डिलीट हो गई। अबे साले। और फिर मैं सीड्स की मदद से अपने चिकन्स को अपने फार्म की तरफ लेके आता हूँ लेकिन यार अभी भी हमारे पास कैरेट, पोटैटो नहीं थे और साथ ही साथ फीड भी नहीं थे जिसकी वजह से हम अपने काउज और पिगी को अपने फार्म की तरफ नहीं ले जा सकते थे। और फिर मैं स्टोन माइन करने के लिए एक उट की पिकैक्स बना लेता हूँ और उट की पिकैक्स बनाने के बाद मैं अपने चेस्ट को अपने आइलैंड पर रख देता हूँ ताकि मैं उसमें अपना सारा कीमती सामान स्टोर करके रख सकूँ और अपने सेकंड फेज की माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ।
और मुझे मिल जाता अपने वर्ल्ड का फर्स्ट कोबाल्ट स्टोन। और फिर मैं आ जाता हूँ अपने ट्री फार्म पे, और अपने ट्री फार्म पे आने के बाद मैं बहुत सारा कोट कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर अपने माइनिंग को कंटिन्यू करता हूँ। और माइनिंग करते करते मुझे मिलता है कुछ कोल और साथ ही साथ कुछ आयरन भी। लेकिन आयरन को माइन करने के लिए हमको चाहिए थी स्टोन की पिकैक्स, तो मुझे जितना भी स्टोन मिला था मैं फटाफट से उससे एक स्टोन की पिकैक्स बना लेता हूँ और साथ ही साथ एक फर्नेस भी बनाता हूँ और फिर अपने स्टोन की पिकैक्स से आयरन माइन करता हूँ। और फिर मैं अपने फर्नेस में वुड को स्मेल्ट करता हूँ ताकि हमको उनसे चारकोल मिले और उनके मदद से हम टॉर्चेस बना सकें। और इनफ वुड स्मेल्ट होने के बाद मैं उन चारकोल को कलेक्ट करता हूँ और अपने को जो आयरन मिला था उसे स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। और फिर मैं कुछ टॉर्चेस बनाता हूँ और अपना आयरन भी स्मेल्ट हो गया था तो मैं उन्हें भी कलेक्ट करता हूँ और उससे मैं बनाता हूँ शेयर्स, और शेयर बना के मैं कंपोस्टर बनाता हूँ। और शेयर के मदद से मैं बहुत सारे लीव्स कलेक्ट करता हूँ और उन लीव्स को मैं कंपोस्टर में डाल के बहुत सारी बोन मिल कलेक्ट करता हूँ और उस बोन मिल के मदद से मैं अपने वीट को ग्रो करता हूँ और उसे कट करके अपने सारे एनिमल्स को अपने ट्री फार्म की तरफ ला लेता हूँ। और उसके बाद मैं अपने लिए फुल स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। और माइनिंग करते करते मुझे एक और चेस्ट मिलती है जिसमें तो मुझे कुछ लेदर और एक मशरूम मिल जाता है। और फाइनली अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में आ जाते हैं मेहमान, जिनका मैं बहुत अच्छे से स्वागत करता हूँ। और इनके बाद हमको एक और सरप्राइज मिल जाता है और ये बंदा हमारा आइलैंड फोड़ के चले जाता है। और अपने आइलैंड को रिपेयर करने के बाद मैं अपने ट्री फार्म पे आ जाता हूँ और यहाँ से बहुत सारा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं अपने माइनिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। और माइनिंग करते करते हमको एक बार फिर से एक और चेस्ट मिल जाती है और उस चेस्ट में हमको मिल जाती है स्प्रस की सैपलिंग। इसका मतलब था कि अपने पास अब एक और टाइप का वुड आ गया था और इस चेस्ट को कलेक्ट करते ही इस फेज का भी एंड हो जाता है। और फिर मैं अपने ट्री फार्म को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ ताकि जो हमारे एनिमल्स है वो यहाँ पर आराम से रह सके और साथ ही साथ हम यहाँ पर फार्मिंग कर सके और अपने ट्री भी ग्रो कर सके। और इसी के साथ हमारा जो थर्ड फेज है वो भी स्टार्ट हो गया था जो कि था आइस वाला। तो मैं अपने माइनिंग एरिया को भी थोड़ा सा अपग्रेड करता हूँ क्योंकि अब जैसे जैसे फेज चेंज होंगे वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जाएगा। तो मैं अपने माइनिंग एरिया को थोड़ा सा अपग्रेड करता हूँ और फिर थर्ड फेज की माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ जहाँ से मुझे नए नए टाइप के रिसोर्सेज मिल जाते हैं। और फिर मैं अपने लिए एक शील्ड बना लेता हूँ क्योंकि थर्ड फेज चालू था और इस फेज में खतरा भी ज़्यादा था, इसलिए मैं एक शील्ड बना लेता हूँ और फिर अपने माइनिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। और इस माइनिंग के दौरान मुझे कोल, आइस, नए टाइप का वुड और साथ ही साथ आयरन भी मिलता है और बहुत सारे मॉब भी स्पॉन होते हैं जैसे कि डॉग और ये आइस वाले स्केलेटन जिन्हें हम बड़े आसानी से निपटा देते हैं। और माइनिंग करते करते अब हमें गोल्ड भी मिल रहा था इसलिए मैं फटाफट से आयरन की पिकैक्स बना लेता हूँ और आयरन की पिकैक्स बना के मैं गोल्ड कलेक्ट करता हूँ। और माइनिंग कंटिन्यू करते वक्त मुझे एक और चेस्ट मिल जाती है जिसमें मुझे दो डार्क ओक के सैपलिंग मिल जाती है, जिसका ये मतलब था कि हमारे पास अब एक नए टाइप का वुड आ गया था। और फाइनली हमारे वन ब्लॉक वर्ल्ड में हमारी फर्स्ट मॉन्स्टर पार्टी होती है जिन्हें हम पार्टी का फुल मजा कराते हैं। और फिर मैं एक डॉग को टेम कर लेता हूँ। और गाइज यार लास्ट में हमको इस फेज की लास्ट चेस मिलती है जिसको कलेक्ट करके इस फेज का एंड हो जाता है। और अब स्टार्ट होने वाला था फेज नंबर 4 जो कि था द ओशन। और फोर्थ फेज में माइन के दौरान हमको बहुत सारी सैंड मिलती है, बहुत सारे ओशन वाले ब्लॉक्स मिलते हैं, ओशन वाले रिसोर्सेज मिलते हैं और साथ ही साथ ओशन में के जो शी मोन्यूमेंट है उसमें के जो भी ब्लॉक्स है और साथ ही साथ स्पंज है वो सब भी मिलता है। और माइनिंग कंटिन्यू करते करते फाइनली हमको अपने वर्ल्ड का फर्स्ट डायमंड मिल जाता है जिसको मैं अपने आयरन के पिकैक्स से माइन कर लेता हूँ। और फिर एक ड्राउन ज़ॉम्बी को मार के हमको एक ट्राइडेंट मिल जाता है हमारे वन ब्लॉक वर्ल्ड का। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने ट्री फार्म पे और ट्री फार्म पे आने के बाद मैं बहुत सारा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अब बारी थी अपने लिए एक बड़ा सा मॉब फार्म बनाने की जिसकी वजह से हमको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। और ये वन ब्लॉक था तो हमारा जो मॉब फार्म है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। तो मैं फटाफट से बहुत सारे वुड कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर चलते हैं मॉब फार्म बनाने के लिए।
और इसी के साथ गाइस यार अपना जो मॉब फार्म है वो बनके रेडी था और वन ब्लॉक में मॉब फार्म बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। फिर मैं अपने मॉब फार्म से निकल के सीधा आ जाता हूँ अपने इन्फिनाइट ब्लॉक के पास और मैं अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। और माइनिंग करते करते मुझे बहुत सारे चेस्ट मिलती है और साथ ही साथ ओशन में के बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते हैं। और मैं माइनिंग कर ही रहा था कि तभी अपने इन्फिनाइट ब्लॉक से एक एंडर गार्जियन स्पॉन हो जाता है। तो मैं फटाफट उससे दूर जाता हूँ और उसे अपने बो की मदद से मार देता हूँ। और अपना जो मॉब फार्म है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा था। हमें यहाँ से ढेर सारे रिसोर्सेस मिल रहे थे और साथ ही साथ भर के एक्सपी मिल रही थी। बहुत सारे मॉब्स को मारने के बाद और ढेर सारी एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं अपनी चेस्ट ओपन करता हूँ और चेस्ट में मुझे दिखता है पोटैटो, जिसका मतलब था कि अब हमारे पास एक और फूड सोर्स आ गया था। और फिर से मैं अपने माइनिंग को कंटिन्यू करता हूँ जहाँ से मुझे एक और चेस्ट मिल जाती है, जिसमें तो मुझे एक म्यूजिक डिस्क मिलती है और एक बुक मिलती है जो कि खाली थी। और इस लास्ट वाली चेस्ट को माइन करती हमारे ओशन ओनली फेज का एंड हो जाता है। और अब स्टार्ट होने वाला था फेज नंबर 5 जो कि था द जंगल फेज। एंड इस जंगल ओनली फेज से माइनिंग करते वक्त हमको ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज जंगल फेज के मिलेंगे, जंगल बायोम के मिलेंगे। और थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मैं कुछ डर्ट लेता हूँ और मेरे पास जितने भी ग्रेवल थी उन सबको कलेक्ट करता हूँ और उसके मदद से मैं ढेर सारी कोरस डर्ट बना लेता हूँ ताकि हमारे पास जो डर्ट की क्वांटिटी है वो बढ़ जाए, क्योंकि आगे जाके हमें डर्ट का बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला था। और फिर मैं पूरे कोर्स डर्ट को कन्वर्ट कर देता हूँ डर्ट में और उनको कन्वर्ट करने के बाद मैं बहुत सारी डर्ट कलेक्ट कर लेता हूँ और साथ ही साथ मैं मॉब की भी थोड़ी सी कुटाई करता हूँ। और अब तुम लोग देख सकते हो हमारे पास कितनी सारी डर्ट कलेक्ट हो गई है। और अब मैं निकल जाता हूँ फटाफट से अपने ट्री फार्म के पास और वहाँ से बहुत सारी वुड कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब बारी थी अपने लिए एक सेपरेट सा फूड फार्म बनाने की और साथ ही साथ एक जायंट वाला ट्री फार्म बनाने की। तो मैं फटाफट से बहुत सारा वुड कलेक्ट करता हूँ और फिर मैं बनाता हूँ एक बड़ा सा फूड फार्म और ट्री फार्म। तो ये रही उसकी छोटी सी क्लिप। अपना ट्री फार्म और फूड फार्म बनाने के बाद मैं ग्रास ब्लॉक कलेक्ट करता हूँ जो मुझे स्टार्टिंग में माइनिंग करते वक्त चेस्ट से मिले थे, और उसमें से एक ग्रास ब्लॉक को मैं ले जाके लगा देता हूँ एनिमल फार्म में ताकि वहाँ की सारी डर्ट ग्रास में कन्वर्ट हो जाए। और फिर मैं आ जाता हूँ अपने मॉब फार्म पे और अपने मॉब फार्म पे आके बहुत देर तक मॉब की कुटाई करता हूँ ताकि हमें उनसे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाए। और बहुत देर तक मॉब की पिटाई करने के बाद मैं अपनी चेस्ट में से जितने भी बोन कलेक्ट हो गए थे उन सबको कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम उनसे ढेर सारी बोन मिल बना के अपने क्रॉप्स को ग्रो कर सके। फिर मुझे जितने भी वीट की सीड्स मिले थे उन सबको मैं प्लांट कर देता हूँ, और उन्हें प्लांट करने के बाद मुझे अपने मॉब फार्म से सिर्फ और सिर्फ एक पोटैटो और एक कैरेट मिला था। और बोन मिल का यूज करके मैं इस एक कैरेट और एक पोटैटो का क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, और बोन मिल करते करते मैं इनके 2-3 स्टैक कलेक्ट कर लेता हूँ। Oh.
और तुम लोग देख सकते हो अब हमारे पास कितने सारे पोटैटोज और कितने सारे कैरेट्स हो गए थे। और इसी के साथ गाइज यार अपने पास अब इनअप आयरन हो गया था अपना आयरन का आर्मर कंप्लीट करने के लिए, तो मैं फटाफट से आयरन कलेक्ट करता हूँ और फिर अपने लिए बनाता हूँ आयरन का फुल सेट आर्मर। और इसी के साथ अब हम अपने वन ब्लॉक ओनली वर्ल्ड में आयरन के फुल आर्मर में कवर थे। और फिर मैं एक बार फिर से निकल जाता हूँ अपने मॉब एक्सपी फार्म पे और वापस जाके मॉब की बहुत देर तक कुटाई करता हूँ और साथ ही साथ फ्री की ढेर सारी एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मैं अपने माइनिंग एरिया को थोड़ा और अपग्रेड करता हूँ, उसे थोड़ा सा और अच्छा बनाता हूँ और फिर मैं अपनी माइनिंग फिर से कंटिन्यू करता हूँ। और ये जंगल फेस था तो पता नहीं माइनिंग करते समय ये कौन से जादू प्रकट हो रहे थे और जंगल फेस से हमको ढेर सारा रेडस्टोन भी मिल रहा था। और फाइनली थोड़ी देर और माइनिंग करने के बाद हमारे वर्ल्ड में आ जाता है माइनक्राफ्ट का सबसे क्यूटेस्ट एनिमल जो कि थे व्हाइट एंड ब्लैक पांडू जी। और थोड़ा और माइनिंग करने के बाद हमको डायमंड भी मिलते हैं इस फेस से। और कुछ देर माइनिंग करने के बाद हमारे इन्फिनाइट ब्लॉक से एक चेस्ट प्रकट हो जाती है जिसमें मुझे मिल जाते हैं बाम्बू और कोकोआ बीन्स। तो बाम्बू की मदद से मैं अपने पांडू जी को लेके जाता हूँ उसके घर में और कुछ देर बाद मुझे एक और डायमंड मिल जाता है। और फाइनली लास्ट चेस्ट को ब्रेक करने के साथ इस फेज का भी एंड हो जाता है। और इसके साथ गाइज यार हमने टोटल 5 फेजेस कंप्लीट कर लिए थे लेकिन अभी तक अपने पास एक अच्छा सा फेज नहीं था, तो मैं चले जाता हूँ अपने ट्री फार्म पे और वहां से मैं बहुत सारा वुड कलेक्ट करके लाता हूँ। और बहुत सारा वुड कलेक्ट करने के बाद मैं बनाता हूँ अपने लिए एक बड़ा सा ओपी वाला बेज, तो तुम लोग ये वाला टाइम लैप्स एंजॉय करो। सो गाइज यार अपना जो बड़ा वाला ओपी वाला हाउस है वो बनके रेडी है और इसी के साथ हमने सर्वाइव कर लिया था 50 डेज अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में। सो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक भी कर देना वीडियो को और जो भी चैनल पे नया है वो भी सब्सक्राइब कर दो। एम करते हैं 1K लाइक्स के लिए, अगर एक दिन में इस पे 1K लाइक्स हो जाएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।